चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह की भ्रांतियां होती हैं, कई लोग डराते हैं, कई लोग कहते हैं कि लोग बीमार हो जाएंगे, आप उस दौरान ये ना करें वो ना करें। उन भ्रांतियों को दूर करने का भी हमारा ही काम है। मैं चाहूंगा छोटी छोटी सलाह अगर आप में से देना चाहें लोगों को, यहां से शुरू करता हूं, यहां से। हाँ, एक सटीक उपाय चंद्र ग्रहण में जो शास्त्रोक्त है, अगर आप कांसे की कटोरी ले लेते हैं, उसमें देसी घी भरते हैं, देसी घी भरने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप कर लें। और ये बिल्कुल सही कहा था सुभेश जी ने कि ओम जुम से कह दें, ओम ह्रौं जुम से कह दें, या ओम नमः शिवाय कह दें, या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वा रुक्मि बंदनात् मृत्योर्मुक्षि मामृतात्, 108 बार जाप करके उस देसी घी के कटोरे में अपनी छवि देखें और तांबे का एक सिक्का डाल दें। ये छवि देखने के बाद जब ग्रहण खत्म हो जाए, उसके बाद इसको आप किसी ब्राह्मण को दक्षिणा, वस्त्र और फल फ्रूट समेत दान कर दें, तो यकीन मानिए हर प्रकार का ग्रहण का नेगेटिव असर दूर हो जाता है। गुजारिश आप लोगों से, छोटे में बोलिएगा तो सब बोल लेंगे। हाँ, हाँ। देखिए, ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो हमेशा होती है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हमेशा लगते ही हैं, तो इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको मंत्रोच्चारण पॉजिटिव साइड देखिए कि मंत्रोच्चारण करते रहिए, साधना के लिए बहुत पावरफुल समय है, आप तो आप साधना करते रहिए। घरों से बाहर निकल सकते हैं ना लोग, घरों के बाहर निकलना जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। तो उसके पीछे विज्ञान है या ज्योतिष शास्त्र है? विज्ञान भी है, क्योंकि जब सूर्य की और चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ती है तो नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव जो रेज है वो बहुत ज्यादा आती है, तो इसलिए देखिए अभी चंद्रयान छोड़ा गया था और 15 दिन तक वो पृथ्वी कक्षा में घूमता रहा। देखिए कारण क्या है, जब वहाँ अंधेरा था तो उसकी गति को रोकने के लिए काम किया गया। इसी तरीके से अभी उस पर अवरोध आ रहा है, उसकी प्रतिक्रियाएं जो भूमंडल पर होंगी उसके उपाय भी हैं। हमें इस पर हठधर्मी नहीं करना चाहिए। उपासना भक्ति, अगर एक घंटे का हमारे पास समय है उसमें उपासना भक्ति आदि हम करते रहें। उपासना और भक्ति करें, आपकी सलाह। मेडिटेशन का ये टाइम है, डिवाइन से कनेक्ट करने का ये टाइम है, मंत्र सिद्धि करने का ये टाइम है, अपनी माता की रिस्पेक्ट, खाली ग्रहण वाले दिन ही नहीं, हमेशा जीवन में अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते रहिए। बोलिए, यही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सिर्फ ग्रहण वाले दिन ही, हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स आप हमेशा लेते रहिए। आपका चंद्रमा आपको लाइफ में कभी भी टू एन एक्सटेंट इम्पैक्ट करेगा, बट अदरवाइज उसका इम्पैक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा। आप दान करिए, जो भी सफ़ेद चीज़ें, आप सफ़ेद चंदन, सफ़ेद कपूर या चांदी का दान जो भी आप कर सकते हैं, घबराइए मत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।